इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। भारत ने इसराइल पर हमास के हमलों को आतंकी हमला करार दिया है। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत हमेशा से संप्रभु फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोहराया कि भारत ने हमेशा इसराइल के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाले फिलिस्तीन के एक संप्रभु स्वतंत्र और व्यवहार्य राष्ट्र की स्थापना के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का समर्थन किया है। इस मामले में हमारी नीति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन अजय पर उन्होंने कहा कि जैसा कि कल विदेश मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, इसराइल से वापस आने को इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। पहली चार्टर्ड उड़ान भारतीय नागरिकों को लेने के लिए आज रात तेल अवीव पहुंचेगी और जिसके कल सुबह भारत लौटने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक चार्टर उड़ान आज देर शाम तेल अवीव पहुंचेगी। इसमें 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद है। हमारे पास सभी विकल्प हैं। राहत की बात यह भी है कि हमने अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं सुनी है। सिर्फ एक के घायल होने की खबर है, लेकिन उनकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। गाजा में भी हमारे 3 या 4 नागरिक हैं और हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लगभग 18,000 भारतीय इसराइल में हैं, जहां संघर्ष चल रहा है और यह चिंता का विषय है। भारतीयों को हमारे मिशन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। इसराइल में रहने वाले करीब 230 भारतीय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रात 9 बजे की उड़ान से भारत के लिए रवाना होंगे। भारत की ओर से हमास को आतंकी संगठन कहे जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानूनी मामला है, इसे कानूनी तौर पर देखना होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में हम बहुत स्पष्ट हैं कि यह एक आतंकवादी हमला है। हम युद्ध के कानूनों के अनुसार लड़ने को एक वैश्विक दायित्व के रूप में भी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खतरे से लड़ना भी एक वैश्विक जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर कहा कि भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाले एक संप्रभु फिलिस्तीन देश की स्थापना के लिए इसराइल के साथ सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की हमेशा वकालत की है। इस बीच तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इसराइल के फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ जारी लड़ाई के बीच भारतीयों से संपर्क करने का गहन अभियान शुरू किया है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि वे भारतीय कंपनियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं, भारत जाने वाली उड़ानों की सूचना ईमेल के जरिए भेज रहे हैं, भारतीय छात्रों को हर तरह की मदद का भरोसा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक काम या पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा देखभाल करने वालों के रूप में काम करता है, लेकिन वहाँ लगभग 1,000 छात्र, कई आईटी पेशेवर और हीरा व्यापारी भी हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर को गाजा में सत्तारूढ़ इस्लामिक आतंकवादी समूह गाजा के हमले के बाद संगठन के खिलाफ अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। हमले के 6 दिन इसराइली सेना ने बताया कि उनके देश में 189 सैनिकों सहित 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि गाजा में इसराइल की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 1200 लोग मारे गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।